परवाह नहीं थी समाज किस लिए किसके लिए तैयार है और किसके लिए बहुत देख चुके थे क्लीशे बोलते लोग साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता भदेश हो सकता है अपनी रचना प्रक्रिया बड़ी विकराल है हमें पता ही नहीं होता क्या होने जा रहा है बहुत आपने युवा लोगों को कहते सुना होगा कि पहले तो प्रेम पर लिखा ही नहीं गया पहले हम लोगों ने प्रेम पर नहीं लिखा झकमारी उसके बाद आजकल बहुत पुरस्कार चल पड़े हैं आजकल तो ये हाल है कि आप ब्लॉन में घूम नहीं सकते दो दो हर दो कदम चलने के बाद पुरस्कार आ जाता है बहुत सारी ऐसी औरतें जो माफ़ कीजिएगा लिखना जानती भी नहीं थी वो और मैं बराबर की श्रेणी में रख दिए गए मगर मुझे नारीवादी क्यों कहते हैं मुझे नारीवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी औरतों से वो डरते हैं मेरे बोलने से पहले गीतांजलि श्री ने कहा था कि मैं अपने कोई स्त्री लेखक नहीं कहती और उसने ये भी कहा था कि मैं मिर्जा जी भी नहीं कहती हैं एक हैं जो अपने को स्त्री लेखक कहती हैं उनका नाम मैत्री पिष्पा है ऐसी एक नाम और मैं सविता सिंह भी हैं जो कहती हैं हम सब स्वतंत्र चेता थे मंजुल मेरे से बिल्कुल मेरी विलोम थी हर लिहाज से मैं वाद के अनुसार नहीं लिखती किसी विचारधारा के अनुसार नहीं लिखती चाहे मेरी कभी कभी मैं जो लिखती हूँ या मेरे पास जो बोलते हैं मार्क्सिस्टों से आगे मार्क्सिस्टों मार्क्सिस्ट मैंने पढ़ मार्क्स मैंने पढ़ा हुआ है भाई बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होता जो अपने से बड़े हैं मानते हैं उनसे अहंकारी रहो जो अपने से छोटे हैं या जो अपने को हमसे कमतर मानते हैं उनके साथ आप विनीत रहो नमस्कार स्वागत है आपका संगत में मेरा नाम है अंजुम शर्मा आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार मृदुला गर्ग आज उनसे बात करेंगे उनके जीवन के बारे में जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि मृदुला जी अभी और क्या क्या करने की इच्छुक हैं मृदुला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका संगत में धन्यवाद आप बहुत अच्छा लगा यहाँ हिंदी भी में आकर जी <laughs> आपने समय दिया आपका भी बहुत शुक्रिया आ, कलकत्ता में आपका जन्म हुआ <laughs> आपकी माँ अच्छी उर्दू और अंग्रेज़ी जानती थी लेकिन आपका कहना है कि आपकी परवरिश मर्दों के बीच में हुई हाँ क्यों? वो कलकत्ते की वजह से नहीं कलकत्ते में तो सिर्फ जन्म हुआ था तीन साल के अंदर हम दिल्ली आ गए थे तब से दिल्ली में ही रहे परवरिश इसलिए मर्दों के साथ हुई क्योंकि हमारी माँ को बच्चे नहीं पसंद थे वो हर वक्त किताबें पढ़ा करती थी साहित्य का जुनून था उनको तो बच्चे पैदा तो कर दिए उन्होंने छ मगर पाले हमारे पिताजी ने और उसके अलावा हमारा हमारे घर में बहुत लोग रहते थे जैसे एक हमारे भूपा जी रहते थे अक्षय कुमार जैन उस वक्त के नामी पत्रकार वगैरह थे हमारे चाचा लोग रहते थे तो जैसे लोग कहते अमूमन एक मुहावरा है ना कि नानी से कहानी सुनते हैं दादी से कहानी सुनते हैं तो हम मेरी नानी दादी दोनों नहीं थी वो पहले ही इंतकाल फरमा गई थी तो हमने कहानियाँ सुनी भूपा जी से जो हर रात हमें महाभारत से एक कहानी सुनाते थे कभी कभी रामायण से भी सुना देते थे मगर महाभारत पर हम ज़्यादा मरकोज़ रहते थे और फिर हमारे एक चाचा रहते थे वहाँ जो काफ़ी उम्र में छोटे थे पिताजी से तो हमारे भाई समान थे जुग्गी चाचा तो वो हमें रोज़ एक भूत प्रेत या चुड़ैल की कहानी सुनाते थे और इतनी डरावनी होती थी कि रात को उठ के हमें मुसलहने तक जाने में डर लगता था मगर इतनी लताफत होती थी इनमें इतना रोमांच होता था कि अगली रात हम फिर सुनने को हाजिर हो जाते थे और बाकी का पिताजी ने सुनाया वो हिंदी नहीं जानते थे उर्दू फ़ारसी पढ़े हुए थे तो उर्दू की या तो किसी किताब में से पढ़कर सुनाते थे वो इसमें चुगताई की शरीर बीवी भी हो सकती थी फुलकी आम फुल की किताब और शेक्सपियर के सोनेट्स भी हो सकते थे तो इस तरह से कई कई मर्दों ने हमें कहानियाँ सुनाई माँ से कभी शिकायत नहीं रही इस चीज़ की कि पढ़ती वो थी कभी उन्होंने नहीं सुनाया बाकी सबने सुनाया नहीं उनसे हमें कभी कोई शिकायत नहीं रही क्योंकि वो बहुत ही अलहदा किस्म की थी और पढ़ने के बाद वो हमें ये नहीं कहती थी कि किताब पढ़ो कभी नहीं कहा मगर वो जब वो पढ़ चुकती थी तो हम पढ़ते थे तो एक तरह से हमें भी धीरे धीरे पहले शौक हुआ फिर लत हुई तो फिर वो एक हमारी नशे की तरह हो गई हमारे लिए किताबें और शायद इसीलिए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमने फिर एक बिंदु पर आकर लिखना भी शुरू किया काफ़ी खुला माहौल था आपके घर का जी तो आपने जो शेक्सपियर के सोनेट्स की बात कही आपने एक जगह कहा भी है कि पिताजी वो सोनेट्स भी सुना दिया करते थे जो आमतौर पर अश्लील माने जाते थे जी उनका ख़ास जुमला होता था साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता भदेश हो सकता है और जो भदेश हो उसे नहीं बढ़ना चाहिए वो साहित्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए उस टाइम ये सब समझ आ रहा था हाँ इतने छोटे नहीं थे नौ साल के थे अश्लील और भदेश में अंतर मतलब इज अगल टर्म और, और वलगर या भदेश वो है जो आपके सौंदर्य बोध को परेशान करे फिर आप इकोनॉमिक्स में आपने एम किया जी लेकिन अर्थशास्त्र से मन उछड़ गया आपका क्यों वो हुआ ये कि हम शादी से पहले तो सिर्फ दिल्ली शहर में या बड़ा बड़े ही शहर हमने देखे थे गांव में हम छुट्टी बिताने ज़रूर जाते थे हम अपने गांव गर्मियों के दो महीने हम पहाड़ जाने के बजाय अपने गांव जाते थे जहां हमारी जो पिताजी की ताई थी दादी थी वो पंखा झलकर हमें ठंडक पहुँचाती थी, थी और वो नीचे कमरे में पानी भरा रहता था उस ज़माने में क्या होता था छोटी छोटी नालियाँ होती थी वो कपड़ा ठूँस कर आप बंद कर देते थे, थे और पानी भर देते थे, थे कमरे में तो सारा दिन वो ठंडा रहता था रात पानी निकाल देते थे, थे तो वो हम ज़रूर गांव में रहे और हमने गांव बहुत करीब से देखा लोगों के घरों में जाना आना होता था और हमारे घर में एक तो वो आ, आ, आप थोड़ी छोटी उम्र के हैं तो ये नहीं जानते होंगे कि मक्खन निकाला जाता था मैं जानता हूं। वो तो जो मट्ठा था वो पूरे गांव में बटता था उसका मट्ठा मतलब तो हर गांव के हर बाशिंदे को मट्ठा मिलता था बच्चे को सबको और एक हमारे यहाँ दवा बनती थी आयुर्वेदिक तो वो दवा भी गांव भर में बांटी जाती थी तो उसको ले जाने लाने के सिलसिले में हम गाँव के हर घर में गए और हमें एक ये सिखाया गया था कि हर आदमी की उसी तरह इज्जत करनी चाहिए जैसे आप किसी राजा महाराजा की करते हैं अंग्रेज़ के सवाब उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए और बाकी किसी घर में काम करने वाले की करते तो हम मतलब बहुत मेल जोल के साथ काफ़ी करीबी मेल जोल के साथ हम गांव के लोगों से मिले हल नहीं चलाया मैंने खेती नहीं की मगर बगान में जाकर वो पेड़ों से तोड़कर फल और आम को नदी में आप जानते ना आम को बांध के नदी में डुब <laughs> तो वो सब देखा किया और फिर हमारे सामने विभाजन हुआ तो गांव से काफ़ी लोग पाकिस्तान गए रोते धोते कोई जाना नहीं चाहता था मगर एक सज्जन नहीं गए उनका पूरा परिवार चला गया वो अकेले नहीं गए तो रहमत चाचा उनका नाम था तो अंत तक हमें एक तरह से उनसे इतना लगाव रहा शायद वो नींव पड़ी इस बात की कि मैं समझ ही नहीं सकती जब ये लोग बात करते हैं वो हिंदू है वो मुसलमान है अमूमन जब हिंदू हिंदुत्व या हिंदू हिंदु, हिंदी हिंदू हिंदू संस्कृति वगैरह की बात होती कहीं बहस हो, हो रही होती है तो मैं अमूमन कह देती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं हिंदू नहीं हूँ आप उस टाइम रहमत चाचा को याद कर लेती हाँ मैं ये कहती हूँ कि मुझे मालूम नहीं है मैं हिंदू नहीं हूँ तो सना का छिप छा जाता है क्योंकि मैं ये तो बतलाती नहीं कि मैं क्या हूँ उससे में या मुसलमान होगी या क्रिश्चियन होगी दरअसल मैं जैन हूँ अगर उसका कोई मतलब मतलब नहीं है क्योंकि जैनिज़्म के बारे में हम हमें थियरटिकल पता है मगर हम कभी मंदिर मंदिर में नहीं जाते थे हमारे घर में सब अपना अपना धर्म अपने आप निभाए आपने विभाजन की बात की जब आज़ादी मिली उस समय आपको कुछ याद है आप क्या उस समय कर रही थी या घर में क्या चल रहा था लोग बाहर गए होंगे ऐसा था हम थोड़ी महफूज जगह में रहते थे नई दिल्ली में मगर दरियागंज में हमारे बाकी परिवार के लोग रहते थे जहाँ काफ़ी दंगा हुआ था जो मुझे अपने लिए याद है वो तो ये है कि हम खुले में सोते थे सब लोग छत पर या सहन में तो मसैरी लगी हुई थी तो ऐसा मसैरी मुझ पर गिरी तो मुझे मालूम हुआ कि किसी ने डंडे निकाल लसहरी के वो दंगा हो रहा था बाहर तो उसको डंडे चाहिए थे तो चार डंडे निकाल ले गया था मगर हमारी खुद की गली में कोई दंगा नहीं हुआ कुछ मुसलमान लोग अपने घर छोड़ के तो ज़रूर चले गए और बहुत बहुत मुसलमानों को रात में गाड़ी में छुपा कर सरहद पर पिताजी पहुंचाते रहे थे मगर हमारी सहेलियाँ भी थीं जो मुसलमान थीं एक तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत थी अभी भी है तो मुझे जाति का पता ही नहीं चलता तो अच्छी चीज़ है? हाँ अब बुरी मानी जाती है हिंदुस्तान में अब मैंने एक पन्यास लिखा था वंशज उसमें मैंने शर्मा जी की शुक्ला जी की बेटी की शादी वर्मा जी के बेटे से करा दी थी तो मुझे बताया गया नहीं हो सकता वो ब्राह्मण है वो नहीं है पता ही तो तुमने चलो हम शर्मा जी कर देते हैं वर्मा जी को <laughs> तो मतलब मुझे कोई बतलाता भी है तो बस मुझे ऐसे ही पता लगता है जैसे मुझे कोई बतलाया ये चूहा है और मैंने अगर चूहा तो मैंने पहले देखा है अगर कोई कहे घूस है और मैंने नहीं पहले देखी हो तो वैसे ही मुझे पता लगेगा अच्छा ये घूस है अलग है मगर जाति क्या होती है क्यों होती है कैसे होती है उसके बारे में क्यों लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं मुझे नहीं पता लेकिन आप तो उपन्यासों में बाकायदा सरनेम का इस्तेमाल करती हैं नहीं नहीं मैं तो अपना भी करती हूँ ना मृदुला गर्ग और हमारे परिवार में मैं ही सिर्फ गर्ग नहीं हूँ और मैं ही सिर्फ गर्ग का इस्तेमाल करती हूँ मेरे पति अनंत प्रकाश लिखते हैं मेरे दो बेटे हैं तो एक काम आशीष विक्रम दूसरे का शशांक विक्रम गर्ग नहीं लिखते मैंने जब लिखना शुरू किया मैं मृदुला गर्ग हो चुकी थी तो इसलिए फिर मैंने उस नाम को नहीं छोड़ा आप बता रही थी कुछ आज़ादी के समय आप हाँ मतलब हमने तो सिर्फ ये देखा क्योंकि हम दिल्ली की इस महफूज गली में थे कि ठट की ठट लोग पाकिस्तान से आए और वो इतने जिंदा दिल और हिम्मती लोग हैं कि बहुत जल्दी वहाँ एक मार्केट खुल गया हम हमारे घर के बराबर में जिसे वो आराम रा, तसल्ली से रिफ्यूजी मार्केट कहते थे उनको इससे कोई परेशानी नहीं थी कि वो रेफ्यूजी हैं तो वो फिर वो रेफ्यूजी मार्केट हो गया और वहाँ पर हम लोगों का वहाँ चौलाई के लड्डू बहुत अच्छा तो मिलता था मुझे <laughs> पुरानी बातें याद आ रही तो वो हम खरीदने जाया करते थे और भी बहुत चीज़ें मिलती थी ऐसे ही फिर जनपद पर सारी दुकानें तो उन्होंने ही खोली ना हुँ, हु. तो धीरे धीरे जो काम था व्यापार था व्यवसाय था उनके हाथों तो में जाने लगा और इन सब के बीच आपका लेखन कहाँ पर था लेखन तो मैं करती ही नहीं थी तब उन्नीस सौ बहत्तर लेखन तो मैंने शादी होने के बाद दो बच्चे पैदा होने के बाद शुरू किया पढ़ रही थी हाँ वो तो हम सारे जुनूनी थे तो उन्नीस सौ के आसपास सारिका में आपकी पहली कहानी छपती जी, है जी, और उसके बाद छ साल में आपने तकरीबन 20 कहानियां लिखकर कमलेश्वर जी को भेजी जी जी दो साल में 20 कहानियां लिखकर एक टारगेट फिक्स किया था या क्या था नहीं, नहीं असल में वो तो बड़ा मजेदार किस्सा है मैंने एक कहानी भेजी कमलेश्वर हाँ। को रुकावट नाम था उसका और वो जो नीला पन्ना होता है कागज का वो चिट्ठी लिखने के लिए हाँ, हाँ। नहीं ऐसा नहीं पैड का अच्छा नीला लिफाफा वो मैंने उनको उसमें लिख के भेज दी बिना ही सोचे कितने बड़े रिटर हैं या कितनी बड़ी पत्रकार है या है क्या मैं रहती थी बागल में उसका नाम भी आपने नहीं सुना और ये वहाँ से मैंने भेजी मुंबई तो कमलेश्वर का जवाब आया कि ये कहानी तो मैं छाप रहा हूँ मगर ये कैसे पता लगे कि आप आगे लिखेंगी क्योंकि ये तो पहली कहानी थी तो जवाब में मैंने उन्हें अगले दो साल तक बीस साल कहानियाँ जितनी लिखी गई उन दिनों भेजी उनका कोई जवाब नहीं आया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मैं कहानी लिखती रही और उनको भेजती रही दो साल बाद उनका जवाब आया तो उन्होंने कहानी का काफ़ी विश्लेषण विश्लेषण किया और उन्होंने कहा कि मैं चार पांच कहानियाँ रख रहा हूँ बाकी लौटा रहा हूँ क्योंकि शायद आप उन्हें दोबारा देखना चाहें तो मैंने कहा नहीं आप सब लौटा दीजिए क्योंकि मैं सभी को दोबारा देखना चाहूंगी दो सालों में फिर आप उपन्यास की तरफ आई पहले और मैंने नाटक लिखा अच्छा एक और भी जो नटरंग में छपा 1975 में आपका उपन्यास आता है हाँ ये उससे पहले चौहत्तर में लिखा था तो कहानी से उपन्यास की तरफ जब आप आए तो ये कैसे तय कर पाए मृदुला जी कि कहानी अब उपन्यास में तब्दील हो सकती है या इस उपन्यास को उपन्यास नहीं कहानी बनना चाहिए ऐसा है भाई अपने साथ बड़ी गड़बड़ है अंजुम आपकी रचना प्रक्रिया बड़ी विकराल है हमें पता ही नहीं होता क्या होने जा रहा है तो कहानियाँ लिखते लिखते एक हमने लंबी कहानी भी लिखी थी जो कहानी पत्रिका में श्रीपत राय ने कहा कि भाई इसको प्रतियोगिता में शामिल कर लूँ बड़ी थी उसको मिल गया था पुरस्कार पुरस्कार उसके बाद हमने नाटक लिखा तो नाटक हमने इसलिए लिखा कि हमें अचानक सूझा कि वो जो धुनिया होता है ना अपने यहाँ जो रुई में से धुमता है रुई धुमता हुआ घूमता है घर से घर अरे वो कितनी ज़िंदगी देखता होगा लोगों की निजी तो मुझे बहुत मज़ेदार लगा तो उसको लेके फिर मैंने ये नाटक लिखा एक और और उस जमाने के लोग थोड़ा अलग होते थे उनको दिखाया ने मीचंद जी को एक अजनबी आदमी एक अजनबी लड़की औरत जो भी को मैं उनके घर पहुंच गई मैंने कहा जी मैंने नाटक लिखा है कहीं बड़ी खुशी की बात है बैठी चाय पीजिए तो मैं छोड़ा ही तो उन्होंने कहा ठीक है ये हमने ड्रम में छाप, मगर कृपा करके एक टाइप खरीद लीजिए क्योंकि आपकी लिखाई बेहद ख़राब है और इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है तो उन्होंने ही फिर मेरी कुछ कहानियाँ श्रीपद जी को भेजी फिर वहाँ से सिलसिला चल पड़ा कहानियाँ इश्तिस लिख कर रखी हुई थी धर्मियों वगैरह सब जगह छपते रहे अंग्रेज़ी में भी अनुवाद कर दिया वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गया कहानी का फिर कुछ नहीं हुआ यूँ ही कुछ हुआ होगा मतलब बहुत सारे अनुभव अनुभूतियाँ होती रहती हैं जीवन में फिर एक कथार होता है एक मोमेंट होता है जुनून का एक क्षण होता है जहाँ तक मुझे याद है गलत भी हो सकती हूँ कि आखिर लेखकों को हो सकता है मैंने कहानी बना ली हो मगर जहाँ तक मुझे याद है कि हम एक मित्र के साथ दिवाली के दिन कहीं बैठे थे तो प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी तो हमने कहा कि अगर हमारी शादी आपसे हुई भी होती तो हम मोहब्बत अपने पति से करते अब उनसे हुई भी है तो हम मोहब्बत आपसे करने के लिए तैयार हैं तो इससे मुझे सूझा कि यार उपन्यास लिख डालो पहले शादी होती है उस पति से तलाक लेके दूसरे आदमी से शादी करती है चार साल बाद पहला पति फिर मिलता है उससे दो तीन दिन उसके साथ गुजारती है और तब तक वो जो मोह भंग भी हो चुका था दूसरे पति के साथ पहले बहुत पैशनेट प्यार था जैसा होता है और फिर मोह भंग हो चुका था तो उनको वो पता समझ में आया कि उनके जो पहले पति थे वो समझती थी बड़े उदासीन हैं और रोमानी नहीं हैं उनकी समझ में आया कि उन असल में वो लिबरल थे वो उनको कुछ भी करने की कुछ कहते ही नहीं थे कहीं जाओ किसी से मिलो कुछ करो तो वो एक सचमुच आज़ाद ख्याल आदमी थे और ऐसे आदमी के साथ रहना ज़्यादा आसान है अब बशर्ते कि आप उस पैशन उस जुनूनी मोहब्बत के लिए आकुल ना होते रहें परेशान ना होते रहें आमतौर पर माना यह जाता है कि आपके उपन्यासों में स्त्रियां केंद्र में रहती हैं लेकिन एक पैटर्न अगर मैं देखूं तो उसके हिस्से की धूप का जो पति है वो उतना परिपक्व नहीं है कोबरा का जो पति है वो परिपक्व है उसमें आ, दो हैं एक चीज एक चीज़ और एक चीज़ और, हा, हा। और जो वंशज है उसमें नायिका नैतिक है लेकिन पति पागल सा बना है। हुआ, हुआ है तो ये भाई क्या केंद्र में क्या पति पति को लेकर इतनी सारी घटनाएं बुनना क्या उस समय चल रहा होता है आपके जहन में देखिए उसके हिस्से की धूप में तो दो पति हैं और दो पति बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो अर्थशास्त्र अर्थ, आर्थिक नीति पर भी बात करते हैं और राजनीतिक उस पर भी बात तो करते हैं आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स वाला वहां जो मैं सोचती हूँ कि वो आ ही जाता है अगर हम जागरूक इंसान हैं जगे हुए रहते हैं सोए हुए नहीं रहते हर वक्त कल्पना में नहीं रहते जिंदगी में भी जीते हैं तो तो आएगा ही तो वो पति एक दूसरे के विलोम हैं तो उस औरत को दो अलग अलहदा तरह तरह के पुरुषों से करीब उनके पुरुषों के करीब रही उनका संसद मिला और अंत में वो तो फिर उस उसके साथ था उसका पहला पति तो उसके फैक्ट्रियों में कुछ मतलब वो भाग्या छोटे तो फैक्ट्री वापस आई तो ये जो हुजूर आला थे जो बहुत रुमानी थे और ये थे और वो थे वो जयप्रकाश के आंदोलन में चले जा रहे थे तो खैर हालांकि उसको लगा कि इसमें कुछ होने आने वाला है नहीं, नहीं जा रहे हैं तो जा रहे हैं मगर उसके दिमाग में ये बात आई कि जो कुछ मिलना है अपने भीतर से मिलना है मर्द बदलने से कुछ नहीं होता अब सौ मर्द बदल लीजिए अंततः तो आपको अपने अंदर से ही अपनी महत्ता अपनी महत्वाकांक्षा अपनी रुमानियत अपनी लिखने की प्रेरणा सब कुछ अपने भीतर से मिले चित्रकोबरा के लिए आपकी गिरफ्तारी तक होती है जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम जागे हुए हैं सोए तो हैं नहीं जागरूक रहते हैं उस समय क्या इतनी जागरूकता रही होगी जाहिर सी बात है बड़ी लेखिका लिखिका है आ, लेकिन इस ये नहीं था कि शायद लोग इसको अश्लील मानकर मेरी गिरफ्तारी तक हो सकती है अंदाज़ा नहीं था कि हमारा समाज तैयार नहीं है इसके लिए नहीं नहीं परवाह नहीं थी परवा नहीं थी समाज किस लिए किसके लिए तैयार है और किसके लिए बहुत देख चुके थे क्लीशे बोलते लोग और जिसको छः सात साल की उम्र में ये जिसकी समझ में अच्छे से आ गया हो कि साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता तो वो ये सब क्यों सोचेगा हमने तो कुछ सोचा ही नहीं अंजुम हमने समाज के बारे में सोचा ही नहीं हमें ये सूझा 26 दिनों में हमने लिख लिया रोज़ सुबह उठ के हमें अध्याय तो नहीं उसको मैं कहूँगी एक अंश उसका लिखती थी छब्बीस दिनों में वो पूरा लिखा गया फिर उसको साथ करके किताब बन गई बस वो अंश मैंने जिस क्रम में लिखे थे उस क्रम में नहीं डले क्योंकि तो लाए देख के डले तो किताब बन गई बस बहुत पढ़ी गई बहुत प्रशंसा हुई अभी मनी वनत मॉरिशस से आए बोली ये घटना है हिंदी साहित्य की तुरंत की तुरंत जर्मन में अनुवाद हो गई हमने उसकी एक मेरे हिसाब से प्रेम का उद्दात से उद्दात जो रूप हो सकता है जैसे वो जिंदगी को पूरी जिंदगी पर छाता है और फिर आपको दर्शन सब कुछ सिखलाता है और अंततः आपको पूरे पर्यावरण से जोड़ता है वो उसकी थी प्रेम के माने थे मेरे लिए कोई तो सीमा होगी ना मृदुला जी कि ये क्रॉस नहीं करना है ना वरना हमें क्या पता कैसे हमारी सीमा हमें दिखेगी तो क्रॉस नहीं करेंगे ना अरे वो कहते हैं ना विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट बड़े ही अजीब मुहावरा है साहब बट हाउ कैन यू क्रॉस द ब्रिज एन यू कम टू इट करेक्ट इसमें कहने की क्या बात है तो वो सीमा दिखे तो सीमा को कहे ना कि हम सीमा के बाहर गए हमें तो बिल्कुल सीमा के भीतर लगा जब हमने लिखा तो हमने कहा हर अगर जरा भी अकल होगी किसी में और वही साहित्य पढ़ता होगा गधे घोड़े तो पढ़ने आएंगे ना आ जाएंगे क्या पता तो उन्हें इसमें कोई एतराज होने का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता ना पसंद आए ठीक है पसंद आए ठीक है बस बात खत्म। छब्बीस दिन में छब्बीस अध्याय जी आपने लिख दिए लेकिन आप सोशल मीडिया और आज के समय के लेखकों पर मैंने आपका एक कमेंट सुना और पढ़ा भी कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं लोग जल्दबाजी में कहते वहा हैं वहां नहीं थी 26 दिन में 26 अध्याय जब लिखा गए 26 अध्याय 26 दिन में लिखे जाना जल्दबाजी में रहना नहीं उसको छपवाने के बाद ये चाहना कि आप टॉल बन गए चाहना नहीं समझना कि आप तो साहब मनोज श्याम जोशी से आगे निकल गए ये समझ बैठना न भूतो न भविष्य ऐसा तो न कभी लिखा गया न लिखा जाएगा और बहुत आपने युवा लोगों को कहते सुना होगा कि पहले तो प्रेम पर लिखा ही नहीं गया पहले हम लोगों ने प्रेम पर नहीं लिखा झकमारी तो ये हो रहा है फेसबुक पे जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा लिख के चाहते हैं उसका अनुवाद हो जाए उसकी फिल्म बन जाए उसको लोग पढ़ दें उस पर अगर फेसबुक की हज़ार फेसबुक की लिख दें कि अच्छा है तो मान लेते हैं अच्छा है। लेते है। उसके बाद आजकल बहुत पुरस्कार चल पड़े हैं आजकल तो ये हाल है कि आप ब्लॉन में घूम नहीं सकते दो दो हर दो कदम चलने के बाद तो पुरस्कार आ जाता है तो वो पुरस्कार उन्हें मिल जाए हो गई छुट्टी ख़त्म हमारे साथ तो ये नहीं हुआ जब चितकोबरा छपा छपने के तो खैर काफ़ी साल बाद वो बवंडर हुआ सारिका ने तो फ़ौरन ही शुरू कर दिया था अपना स्मेयर कैंपेन। तब मैं अनित लिख रही थी जिसके लिए मैंने करीब 200 किताबें इकट्ठी की थी मैं पहले शोध नहीं करती मुझे जब पहला वाक्य सूझ जाता है तो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ बिना ये सोचे कहाँ जा रहा है फिर वो मुझे किरदार बताते चलते हैं कि कहाँ जा रहा है तो अनित्य में जो किरदार है प्रमुख अविजित वो मेरे पिता से प्रेरित है मेरे पिता क्या तभी देहांत हुआ था स्वतंत्रता तो आंदोलन में उसने हिस्सा फिर उनका कैसे मोह भंग हुआ सब कुछ है उसमें तो वो हमने लिखना शुरू कर दिया वो चलता गया चलता गया फिर मैंने कहा ये आदमी के ये तो ज़रूर राजनीतिक आदमी होगा गया आदमी फिर राजनीति का सारा माहौल आया फिर भगत सिंह आए फिर अंडमान की जेलें आई सब कुछ आता चला गया तो बन गया लेकिन अनित्य पर उतनी बात नहीं होती है अनित्य पर बहुत बात हुई बरसों बरस बहुत बात हुई अगर मैं ऐसे बैठी हूँ अगर मैं यहाँ आती डॉक्टर के यहाँ जाती अखबार खोलती अनित्य पर समीक्षा हर जगह फिर स्त्री विमर्श चल गया बहुत सारी ऐसी औरतें जो माफ़ कीजिएगा लिखना जानती भी नहीं थी वो और मैं बराबर की श्रेणी में रख दिए गए मैं यही सवाल पूछने वाला था कि आपके नाम के साथ अक्सर नारीवादी जोड़ दिया जाता है जो आपको एकदम नापसंद है ऐसा मुझे एकदम नापसंद है वो इसलिए है कि जैसे एक मेरी स्त्रे बहुत जैनन जी कहते थे अरे भैया तुम्हारी स्त्रियाँ सिर्फ सबल नहीं प्रबल होती हैं क्योंकि मेरी स्त्रियाँ प्रबल सबल होती थी और अलग होती थी अलहदा होती थी आप कहेंगे कैसे अलहदा होती थी तो मैं नहीं बता सकती मगर रामबक्श एक आलोचक है उन्होंने लिखा मृदुलागर की नायिकाओं के साथ मैं ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता वो बहुत तर्क करती हैं बहुत स्वतंत्र चेता होती हैं बहुत सोचती हैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा देखती हैं ज़रूरत से ज़्यादा समझती हैं इसलिए उनके साथ नहीं मैं रह सकता तो अब ये औरतें थीं बहुत सारी औरतें थीं जो सबसे मेरे हिसाब से अगर फेमिनिज फेमिनिस्ट राइटर नहीं होता फेमिनिस्ट तो होता है ना तो अगर फेमिनिस्ट देखें तो जो फेमिनिस्ट बात करते हैं उसके अनुसार उसमें जो दो स्त्रियाँ हैं फेमिनिस्ट की सबसे बड़ी सबसे बड़ा उसका ध्वजा उठाए में मतलब पताका वो फहरा रही हैं उसमें एक औरत है काजल बनर्जी जो इतिहास पढ़ाती और इतिहास का पुनर्लेखन कर रही है जो फेमुनिज़म का पहला लेसन है और वो एक दूसरी जो स्त्री है उसमें वो तवायफ की बेटी है तवायफ़ों पर बहुत रखा लिखा गया है मरते लिखते हैं और तवायफ़ों की बेटियों पर कि बस वो बेचारी कुछली हुई शोशे ये वो तो लिखा है मगर तवायफ, तवायफ की बेटी उसे अपने माँ से खूब प्यार हो ठीक है उसको संगीत बहुत अच्छा आता हो गाती हो मगर उसके साथ वो डॉक्टर बने पढ़ाई करे डॉक्टर बने ये कम होता है बात इसमें ये है कि एक ऐसी औरत जिसका कोई रोल मॉडल नहीं है उसने तवायफ़ें देखी हैं तो उसका कोई रोल मॉडल नहीं है जब वहाँ से वो आ जाती है कोई सज्जन ले आते हैं उसको और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देते हैं जिसका खर्चा मेरे पिताजी देते थे ऐसे बहुत काम होते रहते थे जो लग करते और लोग थे पैसा पिताजी देते थे मतलब जो कोई भी ले आता था अब क्या करें पैसा तो है नहीं तुझे पैसा आते तो वो डॉक्टर बनती हैं और वो बाद में उनकी पूरी ज़िंदगी जैसी निकलती है वो वैसे नहीं लिखा गया कि तवायफ की बेटी फिर भी वो पीछे जो जुड़ा जो था जो हुआ जिंदगी में अतीत में उससे पीछा नहीं छूटा एक तो बड़ी उम्र के पुरुष की तरफ ज़्यादा ललक पैदा हुई फिर कुछ क्रांतिकारी सोच हो गया तो इस तरह की औरतें तो उस उपन्यास में आई जिसका प्रमुख पात्र पुरुष है दो पुरुष हैं दरअसल और हज़ारा पुरुष और हैं क्रांतिकारी हैं धोखेबाज हैं गांधी को मानने वाले ऊपरी रूप में बेहद निहायत रद्दी लोग हैं धोखेबाज हैं सब तरह के लोग हैं मगर ये दो स्त्रियां हैं और भी हैं उसमें स्त्री मगर ये दो स्त्रियां ऐसी हैं कि अगर मैं आलोचक हूँ तो मैं कहूँगी इस उपन्यास ये उपन्यास इन औरतों पर केंद्रित है मुझे जवाब नहीं मिला मजला जी जवाब इस तरीके से नहीं मिला कि आप कह रही हैं कि जो स्त्रियाँ नारीवादी नारीवादी होने का दावा करती हैं या जिनके साथ ये शब्द लगा दिया जाता है उनके यहाँ वैसी स्त्रियाँ नहीं है जैसी आपके यहाँ हैं यही तो सारी बात है एक स्त्री का लेखन दूसरी स्त्री जैसा नहीं होता हर स्त्री का फर्क होता है किसी के पास होंगी हो सकता है किसी पुरुष के पास हो अज्ञा के पास थी ऐसे ही जैन जी के पास थी मनोहर श्याम जोशी के पास भी थी उसे क्या लेने देना बाकी जो नारीवादी अपने को कहती हैं वो कहती रहे, मेरे ऊपर साहित्य से उन, उनका क्या असर होगा मगर मुझे नारीवादी क्यों कहते हैं मुझे नारीवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी औरतों से वो डरते हैं और उन्हें लगता है कि मुझसे भी खार खाते हैं मेरी औरतों से भी डरते हैं तो उन्हें लगता है कि ये स्त्रियों की बातें करते हैं ऐसी स्त्रियों की जो हमारे पल्ले नहीं पड़ती तो नारीवादी होंगी और क्या हो सकती है अब मैंने फाइनली अपने उपन्यास का गुलाब में बात किया अर्धनारीश्वर की तो अर्धनारीश्वरवादी तो चला नहीं भाई तो आप नारीवादी हैं या नहीं है मैं घोर नारीवादी हूं जीवन में लेखन में नहीं लेखन में मैं मृदुला गर्ग हूं मृदुला गर्ग इतनी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर देती हैं? मैंने कहा ना मैंने अलहदा पात्र कढ़े पात्रों तक तो सीमित है लेकिन जब कहीं पर बोलती हैं कहीं पर बोलती हूँ अब मैं बहुत आसान जवाब है अंजुम मैं झूठ नहीं बोल पाती बहुत कोशिश करती हूँ कभी कभी बोला भी है आधा झूठ बोला था एक बार बोलना पड़ा था मगर पता नहीं विधिष्ठ ने कैसे संभाला कैसे उससे वो मतलब जीते रहे आधे झूठ के साथ अपने पर तो बहुत भार भारी पड़ा तो क्योंकि मैं सच बोलती हूँ आपने एक सम्मेलन में तो किसी का नाम लेके दूसरी महिला का नाम लेके बोल दिया कि उनको बुलाना चाहिए था मुझे क्यों नहीं, बुलाया नहीं मैंने ये बोले ही नहीं इसका मतलब किसी की कुछ समझ ही नहीं आया गीतांजलि मेरे बोलने से पहले गीतांजलि श्री ने कहा था कि मैं अपने कोई स्त्री लेखक नहीं कहती और उसने ये भी कहा था कि मैं मृदा जी भी नहीं कहती हैं एक हैं जो अपने कोई स्त्री लेखक कहती हैं उनका नाम मैत्री पिशपा है ऐसी एक नाम और मैं सविता सिंह भी हैं जो कहती हैं मगर उस समय अब इतना समय नहीं था वैसे ही समय बहुत कम था क्योंकि पहले कोई भक्ति पर हो रहा था सेशन तो वो चलता चला गया था तो मैंने ये कहा था कि आप सब स्त्रियों को जोड़कर मत रखिए मगर अगर आप एक ऐसी लेखिका जो अपने को स्त्रीवादी कहती है स्त्रीवादी नहीं मैं स्त्री लेखिका हूँ वो तो कहती है। जो अपने को, को स्त्री लेखिका कहती हैं और स्त्री लेखन को एक अलग कैटेगरी मानती हैं अगर आप उनको बुलाकर एक सत्र करें तो हम बड़ी खुशी से उन पर बोलेंगे हमारा उनसे हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है ये मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा मेरी जगह किसी को क्यों बुलाएंगे भाई मैंने कहा था मुझे अब ना बुलाएं स्त्री रचनाकारों पर बोलने के लिए क्योंकि अब और अपनी जिंदगी में व्यर्थ नहीं करना चाहती ये मैंने बोला था और ये भी बोला था कि बाहर के देशों ने मुझ ना चीज़ को कई बार बुलाया है किसी ने भी मुझे स्त्री रचनाकारों पर बोलने के लिए नहीं कहा आपको लगता है मृदुला जी कि राजनीति पर लेखिकाएं कम बोलती या कम लिखती हैं मैं एक बार प्रसार भारती की चेयरमैन रही हैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बोला था कि दरअसल अनुभव की कमी की वजह से ऐसा होता है कि आपको उतना अनुभव ही नहीं है तो आप लिखेंगी नहीं आप बोलेंगी नहीं राजनीति पर या राजनीतिक विषयों पर आपने अगली सुबह जैसी कहानी लिखी जिसमें दंगों का और, है। तो लिखी। और, और लिखी आप अनित्य की बात भी यहाँ पर लिखी है राजनीति पर सात संत नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा का उपन्यास जिंदगी नामा में भी कृष्ण सुपते की काफी राजनीति मैंने तो अनित उन्नीस सौ में लिख दिया था ऐसे ही अनेक के आयोग की मैं तो अलग करके देखती नहीं भैया कौन लेखक है कौन ले मतलब जेंडर नहीं देखती मैं आपके यहाँ जैसे जाति नहीं देखती जेंडर नहीं देखती लेखक हिंदुस्तान के लेखक हिंदी के लेखक राजनीति पर बहुत कम लिखते जब लिखते हैं तो वाद के तहत लिखते हैं उस पर विचार करके नहीं लिखते वो या मार्क्सवादी होते हैं या नहीं होते दक्षिणपंथी होते हैं जो भी होते हैं मगर वो राजनीति पर दाव लगाकर अपनी ज़िंदगी का दाव लगाकर राजनीति पर नहीं लिखते सब हिंदी के लेखक तो उसमें सब मैंने ज़्यादातर हिंदी के लिखा उसमें उनका जेंडर क्या है वो तो मैंने भैया कभी पूछा नहीं और ये जो अनुभव की बात है सवाल अनुभव का ये है कि अनुभव तो राजनीति का जब आपके घर में घुस आती है तो सबको होता है मगर उसका दो चार करने उससे दो चार करने की अगर हिम्मत ना हो तो वो अनुभव नहीं होता जिस जो आपको पैशन जुनून से भरे और फिर आप लिखें ऐसा तो है नहीं कि औरतों को राजनीति का अनुभव नहीं होता अरे गांधी जी ने तो तभी लड़वा दिया था उनको बहुत लड़ ली वो हमारी जितनी नायक हैं कहना चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन के उन्हें से तो बहुत सारे औरत हैं तो अनुभव ही होता है अनुभव मात्र अनुभव से कोई नहीं लिख सकता उस अनुभव से इतनी गहरी अनुभूति होनी चाहिए उससे आपका एकात्म होना चाहिए और यही नहीं फिर आपको परकाया प्रवेश करना होता है आपको अपने किरदार में घुसना होता है तो वो करने के लिए शायद इन अनुभव हो सकता है कम होते हो आप पुरुषों के किरदार में कैसे घुसती हैं जब आप लिखते हैं तो मैंने कहा ना जो मुझे जेंडर दिखता ही नहीं पुरुष के किरदार में घुसना क्या मुश्किल तो है तो कैसे तय होता है मृदुला जी कि ये वाक्य पुरुष बोलेगा और ये स्त्री बोलेगी नहीं वो तो उसका जो फॉर्मेट होगा उसमें वो बोलेगा ये थोड़ा सा स्त्री बोलेगी ये अनित्य बोलेगा ये अभिचित बोलेगा ये काजल बोलेगी ये शोभा बोलेगी ये प्रभा बोलेगी ये संगीता बोलेगी ये सुरेश बोलेगा पुरुष स्त्री कहाँ से आ गए ये किरदार हैं इनमें से कुछ स्त्री हैं कुछ पुरुष हैं जो चल रहा होता है उसके अनुसार बोलते हैं काजल भगत सिंह पढ़ाना चाहती हैं पढ़ा रही हैं क्लास में प्रिंसिपल उनको निकाले दे रही हैं कॉलेज से ये काजल हैं काजल की जगह वो स्त्री है उसकी जगह एक चड्ढा भी है उसमें वो पुरुष हैं तो हैं उसमें अरुणा सफली भी हैं स्त्री हैं तो दोनों जेंडर दो ही जेंडरों के बारे में मैंने लिखा ट्रांसजेंडर के बारे में मैंने नहीं लिखा ठीक जरा कौशल कुमार और माधवी की तरफ आते हैं इस उपन्यास का नाम मैं और मैं का पहले कुछ और होने वाला था नहीं <laughs> अब आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा थोड़ा सा बता दीजिए कोई बात नहीं क्योंकि ये बड़ा मैंने सुना मैं इसमें इस एक वाक्य आता है मैं और मैं ये जो कौशल कुमार जी हजरत हैं जो साइकोपैथ पैथ हैं असल में मगर साइकोपैथ के बारे में तो हमारी हिंदी में लिखा नहीं जाता तो उनका ये ख्याल है कि क्योंकि समाज ने उनसे दुर्व्यवहार किया है इसलिए उनको हर किसी से दुर्व्यवहार करने का हक है तो वो एक बार जब वो जो नायिका है उसमें कहना नायिका औरत जो भी है उन उसका वो बराबर शोषण करते रहते हैं उससे पैसे मांगते रहते हैं और वो उनको आने देती है क्योंकि वो इतना उसके अंदर जो रचना धर्म है उसको उत्तेजित कर देते हैं उत्साहित कर देते हैं कि वो उसके रचना करने के लिए एक तरह से अनिवार्य होते जा रहे तो उन्होंने एक समय जब वो अपनी फेंक रहे थे कि हमने दंगों के दिनों में एक आदमी को मार दिया था तो फिर क्या आप उसे माफ़ कर सकती हैं जैनेन्द्र की सुनीता बन सकती हैं क्या वगैरह वगैरह तो बहुत बार वो जैनेंद्र जी का हवाला दे दिया करते थे जैनेंद्र जी की पूरी किताब लिखने का काम उनका था मैं वो तो बोलते थे ना जैन लिखते थे तो मैंने सोचा कि इसका नाम लिखा जाए क्या आपने जैनेंद्र पढ़ा है क्योंकि उन्होंने यही पूछा था मुझसे तो जैनंद जी मिले एक खाने पीने के आयोजन में तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये उपन्यास लिख रही हूँ और मैं उसका नाम रखना चाहती हूँ कि आपने जैन से पढ़ा है रख दूं। तो रख दूँ तो बाबू तो पहले वो जनीन जी पीला थोड़ा पीलापन लिए उनका चेहरा था काला हुआ पहले गुलाबी हुआ काला हुआ फिर बैंज नहीं हो गया ज़ाहिर है बहुत नाराज़ थे और चुप रहे उनका हथियार था चुप्पी तो मैं मैं कहा ठीक है जितनी देर ये चुप रहेंगे मैं भी चुप रहूँगी तो बहुत देर हम लोग चुप रहे उसके बाद जैनंद जी ने पूछा अनुभव से लिखा है मैंने कहा जैन जी मैं तो अनुभव से ही लिखती हूँ चुप हो गए उन्होंने मना भी नहीं किया हाँ भी नहीं कहा तो मैंने कहा जाहिर है उनसे बिना पूछे तो उनका नाम नहीं लिया जा सकता तो फिर मैंने वो नहीं लिखा रखा नाम मैं और मैं रखा मिलजुल में आपके बचपन का जिक्र है मिलजुल मिल मन, मन में जी और बहनों के साथ रिश्तों का भी असल में मेरी बहनें तो कई हैं मगर उसमें एक ही बहन आती है मंजुल हाँ। मंजुल मंजुल भगत और मैं उसमें मैं चाहता हूँ एक बार कुछ अपने बहनों के साथ आपके जो रिश्ते रहे हैं कुछ उसके बारे में हमको बताइए किस तरह के रिश्ते रहे और मंजुल भगत के साथ ज़्यादा प्रगाढ़ता रही है बाकियों के साथ ऐसी प्रगाड़ प्रगाढ़ता मंजुल के साथ रही है और सबसे छोटी बहन के साथ भी रही है संयोग है कि वो भी लिखने लगें बाद में और आप वो भी लेखक हैं अचलावंस किसका प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ा प्रभाव किसी का किसी पर नहीं पड़ा हम सब स्वतंत्र चेता थे मंजुल मेर से बिल्कुल मेरी विलोम थी हर लिहाज से जब लिखना शुरू किया तब भी हमारा लेखन एक बिल्कुल अलग है अलग है हमने कभी एक दूसरे को अपनी पांडुलिपि नहीं दिखलाई सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जादू का कालीन नाटक लिख रही थी जिसमें वो भाषा आती थी भोजपुरी तो नहीं कह सकते उसको मिर्ज़ापुर वगैरह में जो कालीन बुने जाते हैं तो उन उस वो भाषा आती थी तो मैंने कहा मंजुल तो हर डायलेक्ट लिख लेती है तो जो सुनती थी वो लिख लेती थी तो मैं उसके पास रह गई मैंने कहा ऐसा कर मैंने ये पूरा लिख लिया है इसको ये जो बोल रहे हैं इसमें बच्चे उनको मिर्ज़ापुर की ज़ुबान में अबदी और भोजपुरी मिश्रित वो करते तो उसने कहा इसमें क्या पाँच मिनट का खेल है चाय पीते हैं उतनी देर में मैं कर दूँगी अब चाय पी ली घंटों हो गए जी मैंने कहा क्या हुआ कहने लगी ऐसे नहीं मैं कर सकती जब मेरे मन में उपजे तभी लिख सकती हूँ उस आंचलिक बोली में तो फिर मैंने कहा ठीक है हम तो खड़ी उसी में जाने देते हैं उसको क्योंकि तो जब लोग बोलते हैं तो हमें खड़ी बोली सुनाई देती है ऐसा होता है ना आप कुछ भी बोले बिल्कुल जैसे कुछ लोग हैं आप कुछ भी बोलते रहे उन्हें अंग्रेज़ी सुनाई देती रहती और ज़्यादातर गलत सुनाई दे रही होती मैं आप कुछ भी बोलें उसका साथ साथ तर्जुमा करके खड़ी बोली या जिसको आप हिंदी ही कहते हैं उसमें समझती हूँ तो आंचलिक जब भाषा कभी लानी पड़ती है तो मुझे बहुत तरद करनी पड़ती है मशक्क़त करनी पड़ती है हरी बिंदी का अनुवाद आपने डेट विद मी क्यों किया जब हमने उसका अनुवाद हरी बिंदी का हरी ग्रीन बिंदी का करके स्टेट्समैन को भेजा तो अगली पोस्ट से वो वापस आ गई मैं आप समझ ही गए होंगे काफ़ी हर दिमाग हूँ मैंने उसी कहानी को उसका टाइटल बदल के डेट विद मी जो मुझे बहुत वाजिब टाइटल लगा वापस फ्रेसमैन को भेज दी और अगले रविवार को वह छप गए तो आप समझ सकते हैं कि उसका ग्रीन बिंदी नहीं होना चाहिए था <laughs> क्यों था उसका शीर्षक क्योंकि उसमें ये उसकी थीम है ये उसका कथ्य है कि दैट गर्ल और आपने अनुवाद खुद किया है उसका हाँ कहानियों का ज़्यादातर अनुवाद मैंने खुद किया जब आप अनुवाद कर रही होती हैं तो कभी ये मन में नहीं आया कि उसी हिसाब से जैसे हिंदी में जिस तरह से आपको मिली है ख्याति अंग्रेजी में और लिखा जाए और अंग्रेजी बाद में लिखा है अंग्रेजी में अभी आखिरी उपन्यास जो लिखा था वो अंग्रेजी में था सत्तर पार करके लिखा उससे पहले मैं बहुत लेख आलेख बहुत चीजें अंग्रेजी में इस राइटिंग किस भाषा में में। हैं खुद को? दोनों, दोनों में अब अगर रूसी आती होती तो रूसी <laughs> में लिखते हैं मगर रूसी नहीं आती तो हिंदी में लिखना पड़ रहा है कॉलम्स की बात कर लेते हैं जरा आपके रविवार में परिवार और इंडिया टुडे में कटाक्ष परिवार में जैसे आपसे पहले बात हो रही थी आप कह रही थी परिवार छोड़कर सब कुछ सब कुछ था जब कैसे हामी भरी क्यों हामी भरी थी कॉलम लिखने के लिए कॉलम लिखने के लिए जब वो आए उन दिनों राजीव शुक्ला आए थे मेरे घर वो करते थे काम अब तो बड़े आदमी बन गए वही मेरा कॉलम ले भी जाते थे अच्छा तो उन्होंने कहा कि भाई एक आप कॉलम लिख दीजिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं जो मन में आए लिखिए बस वो सौ शब्द शायद उसमें होते हैं एक पन्ना होता है ना तो मैंने कहा भाई मगर परिवार नाम क्यों रख रहे हो कुछ और रख लो रख लो मैंने उन्हें कई सारे नाम सुझाए मगर वो शायद उनके हाथ में नहीं था वो ऊपर से आदेश आया था कि ये कॉलम लिखना है और मृजला गर्क से तो मैंने कह छोड़ो मारो गोली यार एक शब्द है क्या है हम अपने अर्थ से दे देंगे शब्द को और क्या करते हैं हम लेखन में जो शब्द हर जगह बोले जाते हैं हर लम्हा बोले जाते हैं, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके तो हम कृति रचते हैं तो उन शब्दों के हम अर्थ बदलते हैं तो हमने कहा ठीक है मारू परिवार को तो मेरा पहला जो कॉलम था उस समय दुर्योग से भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी उस पर था तो मैंने यही लिखा कि हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुमकम का शुरू से हमारी संस्कृति का अंग रहता रहा है वो ख्याल तो इसलिए मैं किसी ख़ास छोटे से परिवार के बारे में नहीं लिख रही हूँ भोपाल के बारे में लिख रही हूँ उसके तो बाद मैं ऐसे ही लिखती रही पर्यावरण पर लिखा उस पर्यावरण पर बहुत लिखा यूरोप घूमने गई तो यूरोप के रंग करके लिखा उसमें तोलेदो पर बड़ा खूबसूरत आलिख था और ऐसे ही उन पर बहुत लिखा ये बाल श्रमिकों पर और बाकी के भी श्रमिकों को पर जो मुंबई में, में रही कुछ दिन तो नजर आते थे जिसे नारियल के पेड़ पर चढ़ता हुआ पेड़ पौधों के बारे में भी लिखा मेरे मुख मुखन करके कटाक्ष से एकदम उलट था वहाँ आपको व्यंग्य हाँ व्यंग था। करना ही था व्यंग करना था तो कुछ मुश्किल तो नहीं आई लेकिन नहीं, नहीं। फिर भी मुश्किल तो कोई नहीं आई क्योंकि अब मेरे सारे ही साहित्य में बराबर चलता है लेकिन जब आप कॉलम लिखते हैं तो उसकी धार हाँ एक अलग होती है अलग होती है और कई बार लोगों ने ये भी कहा हालांकि मेरा बहुत पॉपुलर था कॉलम सात साल चला और अमरीकी अमरीकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा था मगर वो मुझे ये नहीं लगा कि तंज करना पड़ेगा क्योंकि तंज से मैं उबल रही थी उसमें मेरे साथ कुछ ट्रेजिडी हो गई थी जिसकी वजह से मैं तमाम तमाम दुनिया से बचने के लिए मतलब अगर ज़िंदा रहना था तो एक ही तरीका था कि ख़ुद पर हंसना सीखो भरपूर हंसो जितना गम हो उतना हंसो तो मैंने कहा ये अच्छा है इसको लिख लेते हैं। तो जब हमने लिखना शुरू किया तो फिर हमें लगा कि हिंदी से ज़्यादा उर्दू मुफीद है तंज के लिए तो उसमें फिर मेरी ज़ुबान ज़्यादा उर्दू होती चली गई जो स्त्रियां ख़ुद को कमतर पाती हैं वो मर्द हो जाना चाहती हैं तंस था या क्या था नहीं ये सच्चाई सच्चाई है अगर आप स्त्री होने से संतुष्ट नहीं हैं अगर आपको बार बार दो एम दर्जे का इंसान बतलाए जाने से आपके दिमाग में वो घुस गया है कीड़ा और इस लिहाज से आप पुरुष से आपको अपने को कम मानने लगे हैं जाहिर है चाहती हैं कि कम से बढ़े कमतर क्यों रहे बढ़तर हो, बेहतर हो, तो पुरुष हों मगर जो स्त्रियाँ अपने साथ अपने को समझ चुकी हैं बाकी स्त्रियों को समझ चुकी हैं और जानती हैं वो जितना भी चाहें आज़ाद ख्याल प्रबल क्रांतिकारी हो सकती हैं उन्हें मर्द होने की कोई इच्छा नहीं होती मर्द बेचारा बेचारा बच्चा तो पैदा कर नहीं सकता अब उससे बहुत सारी अपेक्षाएं करना बेकार है और मेरा जो उसमें मुख्य पात्र है एक पुरुष पात्र भी है गुलाब में बाकी स्त्रियों के साथ वो सबसे ज्यादा मातृत्व से भरा हुआ है सबसे ज्यादा मातृत्व उसमें है, है पुरुष वो चाहता है वो कहता है कि अगर किसी कोई आप बीमार बच्चे के सिरहाने नहीं बैठे उसकी देखभाल नहीं की तो आपका जीवन अकारत है इस और वो निष्कलुष प्रेम सिर्फ आप बच्चे से कर सकते जहां उसकी कोई वापसी में मांग नहीं होती उसका प्रतिदान नहीं होता आप प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं ये भी मैं कहती हूं कई बार प्यार का प्रतिदान नहीं होता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए तुम भी मुझे प्यार करो ये नहायत अहमकाना बात है दरअसल दो लोग एक साथ एक दूसरे को उसी शिद्दत शिद्दत से प्यार नहीं करते जब एक प्यार करता है दूसरा नहीं कर रहा होता जब तक दूसरा प्यार करना सीखता है पहला बोर हो चुका होता है मगर फिर भी प्यार ऐसी चीज़ है कि वो मर जाए उसकी स्मृति नहीं मरती इसलिए आप प्यार करते है? मगर आप कमतर क्यों हैं नहीं आप कमतर तो आप अगर चूहा अपने को बिल्ली से कमतर ना माने तो बिल्ली क्यों बनना चाहेगा चूहा ही रहना चाहेगा ना और ये जो एक परेशानी है मर्दों के साथ और संस्कारगत तो बहुत ही बड़ी परेशानी है मर्दों के साथ यार उसी के लिए तो कफन कहानी लिखी प्रेमचंद कि वो तो भारी बीमारी में काम ही नहीं आते कुछ होता ही नहीं उनसे मैं रांची गई हुई थी अपने पति के साथ तो वहाँ तो जो प्रबंधक थे उस आयोजन के तो महाश्री द्वेषी मिशन थ्रॉप जिसे कहते हैं अंग्रेजी वो थे मैं वहाँ अकेली औरत थी और वहाँ जब खाने की मेज़ पर मिलना होता तब वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ औरतों की बुराइयाँ करती थी तो फिर ये हुआ कि एक दिन वहाँ एक लड़का बीमार पड़ गया तेज़ बुखार हो गया अपने कमरे में पड़ा जल रहा था तो रात को उन्होंने आके मेरे कमरे की घंटी बजाई कहने की जरा आप चल के देख लेती उसको दिलासा दे देती कुछ दवा बतला देती तो कर तो हम लेंगे तो मैंने कहा क्यों आप हैं ना मैं क्यों नहीं आप औरत हैं ना इस समय उसे एक हमदर्द की ज़रूरत है जहनी हमदर्द की ज़रूरत है हम जैसे उलझल लोगों की नहीं फिर मैं हर गई उनके साथ तो कहीं पर मर्द भी कमतर महसूस करते हैं और आप क्या जाने मैं तो जानती हूं ऐसे बहुत से मर्दों को जो औरत होना चाहते हैं कुछ छोटे छोटे सवाल है मृदुला जी मेरे हाँ। मृदुला गर्ग क्या हठी है हाँ बिल्कुल जबरदस्त अहंकारी है अहंकारी कहे वही मैंने आगे सिखाया था मुझ में अहम है अहंकार नहीं है मेरी मेरा सिद्धांत ये है थोड़ा सा जो अपने से बड़े हैं मानते हैं उनसे अहंकारी रहो जो अपने से छोटे हैं या जो अपने को हमसे कमतर मानते हैं उनके साथ आप विनीत रहो तो जो ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने आप को पुरुष होने के नाते संपादक होने के नाते आलोचक होने के नाते या पैसा होने के नाते बड़ा मानते हैं मुझसे तब मैं अहंकारी हो जाती हूँ हिंदी लेखकों में अपने आप को अभिजात्य मानती हैं नहीं वो कहते हैं वो कहते हैं मानने देती हो अगर मैं ये भी कहती हूं कि भैया मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने इलाज नहीं करवाया इतने दिनों से तो कोई मानता मानता तो है नहीं तो नहीं मानता तो ना सही सच तो है अब वो अभी मानते हैं अभिजाते परिवार से तो जरूर हूँ सब बहुत ही नाजुक मिजाज तनक मिजाज और जहीन और मतलब अहंकारी भव्य थे तो वो अभी चाहते तो आएगा हर चीज़ की खुशबू आ जाती है सब कुछ सुनाई दे जाता है मेरा बेटा कहता है बड़ी मुश्किल है इस उम्र में तुम सब सुनोगी तो बड़ी मुश्किल है पसंदीदा <laughs> पसंदीदा विधा के तो हालांकि कहानियां लिख लिख कर लिख लिख कर वहां तक पहुंचे बार बार अपने आप को साबित करना चाहते हैं करना ही पड़ता है लेखक को एक किताब लिख के वो संतुष्ट रहता है संतुष्ट जिस दिन लेखक संतुष्ट हो या गया काम से आप संतुष्ट हैं नहीं अभी लिख रही हूँ ना जीवन में जितनी चीजें मिली उसका संतोष है जीवन में इतना ऐसा कुछ धुरंधर मिला ही नहीं कि संतोष असंतोष का सवाल पैदा हो जो मिली त्रासदी मिली त्रासदी मिली तो क्या कहें त्रासदी से इसको झेलने का जज्बा पैदा किया बस हिंदी के आलोचकों से नाखुश रहती हैं हाँ क्योंकि उन्होंने खाँचे बना रखे हैं उन खाँचों में वो लेखकों को फिट करते हैं मैं बात के अनुसार नहीं लिखती किसी विचारधारा के अनुसार नहीं लिखती चाहे मेरी कभी कभी मैं जो लिखती हूँ या मेरे पास जो बोलते हूँ मार्क्सिस्टों से आगे मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्टों के मार्क्सिस्ट मैंने पढ़ मार्क्स मैंने पढ़ा हुआ है भाई बाकी लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होता तो वो उन्होंने खांचे बना रखे हैं उसमें वो लोगों को फिट करते हैं साहित्य को इस तरह नहीं जांचा जाता जब कोई लेखक उससे जो अपेक्षित है उससे बिल्कुल अलग लिखता है तब मुझे बहुत खुशी होती है तब मुझे वो उसका लिखा हुआ बहुत पसंद आता है मैं उस पर आलोचना कहें समीक्षा कहें लिखती भी हूँ कट गुलाब और चित कोबरा पर बात करते करते तंग आ चुके हैं चित कोबरा पर क्योंकि बात और कुछ नहीं होती बात वही होती है जब आपको वो अभी किसी ने लिखा ना, स्पेलिंग भी गलत थी बोल्ड नेश के लिए <laughs> यार बोल्ड शब्द अंग्रेज़ी का है <laughs> तुम हिंदी का इस्तेमाल करो ना अंग्रेजी की क्यों, क्यों टांग तोड़ रहे हो बोल्ड का मतलब साहसी होता है उसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है तुम्हारे लिए स्त्री पुरुष का पास आ जाना बोल्ड है उसका क्या क्या हुआ वो शब्द ही नहीं है यार तुम्हारा मन घड़ंत शब्द है तो क्या करूँ मैं क्यों मानूँ मैं उसको मुझे बतलाओ कौन सी भाषा से आया मतलब क्या है उसका उसका मतलब ये है कि स्त्री पुरुष में अगर सेक्स हो उसके बारे में स्त्री लिखे तो वो बोल्ड है ये तो निहायत बेवकूफाना अहमकाना अर्थ हुआ अगर यही सोचते हैं आलोचक लोग तो हम क्या करें बीते पचास वर्षों में मृदुला गर्ग ने अपने आप को कितना बदला हुआ पाया तनिक भी नहीं सोलह साल की उम्र में थी ऐसी हाँ शरीर बदल गया समय के हिसाब से विचार नहीं बदलने चाहिए अगर विचार बदले नहीं है विकसित हुए जिन चीजों में पहले यकीन था अब हर यकीन पे शुभ है वाह ये बदलाव आया पहले सोचते थे हमारे साथ भगवान बे नहीं करेगा अब समझ में आया सिर्फ बे करेगा आ गया समझ में कुछ ऐसा जो लगा नहीं करना चाहिए था जीना <laughs> <laughs> मेरी आत्महत्या में घनघोर आस्था है जल रहे हैं कथे में भी ये है ऐ कोई नहीं जीना चाहता तो आप कौन होते हैं उसको कहने वाले कि भी तुझे तो जीना पड़ेगा मगर जिस आदमी में जीने का उत्साह होता है जिजी होती है वो मौत से भी उतना ही प्यार करता है आत्महत्या करने के लिए बहुत जिजे विशाएँ चाहिए होती है मगर शायद उतनी जिजे विशा मैं पैदा नहीं कर पाई या आत्महत्या कर सकती इसके उसके बजाय मैं एक किताबें लिखती हूँ उसमें भी तो मरते हो तुम, तो। अपने को हलाक करके दूसरा आदमी किरदार पैदा करते हो और उसमें प्रवेश हो जाते हो अंतिम सवाल कुछ ऐसी चीज़ जो आप करना चाहती थी कर नहीं पाई और करना चाहती हैं हम्म मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहती हूँ नहीं घूम पाए और अब मुश्किल है बहुत शुक्रिया मृदुला जी आप संगत में आई आपने बातचीत की किताबों पर बात हुई आपके जीवन पर बात हुई ये भी पता लगा आप दुनिया घूमना चाहती हैं आप दुनिया घूमें स्वस्थ रहें लगातार लिखती रहें बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया अंजू एक दिन रात को टहलते हुए ज्ञान रंजन ने मुझसे कहा कि नरेश तुम्हारी कविताएं धर्मयुग में छपना चाहिए कथे पर ही सारी चीज़ें हमारी आलोचना की रुक जाती हैं उससे कुछ थोड़ा सा कठिन उसका अर्थ करना है हमारी जो कहावतें हैं ना सारी कहावतें सारी कविताएं हैं ये मेरी कमी आप समझ मान सकते हैं कि ये मेरी कमी है कि मैं कम लिख पाता हूँ आलसी भी हूँ पत्नी की माँ तवाइश थी तवाइफों के मोहल्ले में या सेक्स वर्कर्स के मोहल्ला था वो उसी में उनका घर था जिस तरह से अकादमी सम्मान और दूसरे सम्मान आजकल दिए जा रहे हैं उनकी विश्वसनीयता है दुर्भाग्य से कम होती जा रही है